जय हिंद दोस्तों, स्टडी विद गुरुजी में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। आज आप लोग इस वीडियो में मैथमेटिक्स के इंपॉर्टेंट लेसन एवरेज को स्टडी करेंगे। जी हाँ दोस्तों, आज आप लोग इस वीडियो में औसत के लेसन को स्टडी करने वाले हैं। इस वीडियो में औसत के क्वेश्चन को बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व करने का मेथड हम आप लोगों को बताने वाले हैं। सो लेट अस स्टार्ट आवर टॉपिक एवरेज। यह है क्वेश्चन दोस्तों हमारा 6, 8, 12, 2, 4, 10, 14, 16, 18। इन संख्याओं का हमको एवरेज निकालना है, इन संख्याओं का हमको औसत निकालना है। तो औसत निकालने के पहले सबसे पहले हमको इन संख्याओं को आरोही या अवरोही क्रम में व्यवस्थित कर लेना है। क्या करना है, सबसे पहले इन संख्याओं को आरोही या अवरोही क्रम में व्यवस्थित कर लेना है। चलिए हम इसको आरोही क्रम में सबसे पहले लिख लेते हैं। आरोही क्रम, इन दी गई संख्याओं को हम सबसे पहले आरोही क्रम में लिख लेते हैं। तो सबसे पहले इसमें आएगा 2, फिर 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 और 18। ये संख्याएं अब हमारी आरोही क्रम में हो गई। आरोही क्रम में संख्याओं को लिखने के बाद हम दोनों तरफ से समान संख्या में संख्याएं छोड़ देते हैं। संख्या समान नंबर में हम दोनों तरफ से छोड़ देते हैं, दाहिनी और बाईं तरफ से। चलिए हम 1, 2, 3, 4, चार संख्या हम दाहिनी तरफ से छोड़ देते हैं। अब बाईं तरफ से देखते हैं, 1, 2, 3, 4, चार संख्या हम बाईं तरफ से छोड़ देते हैं। दोनों तरफ से हम समान संख्याएं छोड़ेंगे। चार अगर हम दाहिनी तरफ से छोड़ रहे हैं तो चार बाईं तरफ से छोड़ दी। बीच में जो संख्या बचेगी, बीच में क्या बची हमारी, 10, यही हमारा हो गया आंसर, यही हमारा हो गया आंसर। तो औसत हमारा कितना आ गया, औसत आ गया हमारा 10। सबसे पहले हम दी गई संख्याओं को आरोही या अवरोही क्रम में व्यवस्थित कर लेंगे। इसके बाद दाहिनी और बाईं तरफ से समान नंबर में हम संख्याएं छोड़ देंगे। जो संख्या बीच में बचेगी वही हमारी औसत होगी। चलिए हम लोग एक और क्वेश्चन देखते हैं, अभी और अच्छे से समझ में आएगा। यह है दूसरा क्वेश्चन दोस्तों। अब इन संख्याओं को क्या करना है, हमको आरोही या अवरोही क्रम में सबसे पहले व्यवस्थित कर लेना है। सबसे पहले क्या करेंगे, आरोही या अवरोही क्रम में व्यवस्थित कर लेंगे। तो एवरेज निकालने के लिए हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले आरोही या अवरोही क्रम में संख्याओं को व्यवस्थित करते हैं। चलिए हम इसको आरोही क्रम में व्यवस्थित कर ले रहे हैं, आरोही क्रम में। आरोही क्रम में क्या, सबसे पहले सबसे छोटा आता है, इसके बाद उससे बड़ा, इसके बाद उससे बड़ा, इस तरह से अरेंज होती जाती है संख्याएं। तो सबसे छोटा कौन सी संख्या है, 13। तो सबसे छोटी संख्या 13 हो गई। इसके बाद 14, फिर 15 आएगा, फिर 16, फिर 17, 18, 19, 20, 21। अब ये सारी संख्याएं हमारी आरोही क्रम में हो गई। कैसे हो गई, आरोही क्रम में। आरोही क्रम में संख्याओं को करने के बाद हम दोनों तरफ से, दाहिनी और बाईं तरफ से, समान नंबर में संख्याओं को छोड़ेंगे। चलिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 संख्याएं हैं, 9 संख्याएं ये हैं। तो दोनों तरफ से हम चार चार संख्या छोड़ देते हैं। 1, 2, 3, 4, चार संख्या हम बाईं तरफ से छोड़ दी। 1, 2, 3, 4, चार संख्या हम दाहिनी तरफ से छोड़ दी। इस तरह से बीच में हमारी कौन सी संख्या बची, 17। जो संख्या बीच में बची वही हमारा औसत हो जाएगा, जो संख्या बीच में बचेगा वही औसत होगा। तो औसत कितना आ गया, 17। सबसे पहले दी गई संख्याओं को हम आरोही या अवरोही क्रम में व्यवस्थित कर लेंगे। इसके बाद दाहिनी और बाईं तरफ से समान नंबर में संख्याओं को छोड़ देंगे। जो संख्या बीच में बचेगी वही औसत हो जाएगा।
चलिए हम लोग एक और क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है दोस्तों, इन संख्याओं का हमको एवरेज निकालना है। दी गई संख्याएं हैं 2, 10, 6, 14, 22, 18। इन संख्याओं का हमको औसत निकालना है। तो औसत निकालने के लिए सबसे पहले हमको क्या करना होता है, आरोही अवरोही क्रम में संख्याओं को व्यवस्थित करना होता है। तो सबसे पहले हम इसको आरोही क्रम में व्यवस्थित कर लेते हैं। सबसे पहले हम इसको आरोही क्रम में लिख लेते हैं। आरोही क्रम, आरोही क्रम में सबसे पहले सबसे छोटा नंबर आता है तो 2 आ गया, फिर आएगा 6, फिर आएगा 10, फिर आएगा 14, 18 और 22। अब ये सारी संख्याएं हमारी आरोही क्रम में हो गई। कैसे हो गई, आरोही क्रम में। तो इन संख्याओं को आरोही क्रम में अब हम लिख लिए। अब दोनों तरफ से हमको समान संख्या में संख्याओं को छोड़ना है। तो देखिए, इधर से हम छोड़ दिए 2 संख्या, 1, 2, और दाहिनी तरफ से भी 1, 2, 2 संख्या छोड़ दिए। बीच में अब हमारी 2 संख्या बच रही है। अभी तक पिछले 2 क्वेश्चन में जो था उसमें 1 संख्या बीच में बचती थी, वही हमारा औसत हो जाती थी। लेकिन अब की बार हमारी 2 संख्या बीच में बच रही है। जब 2 संख्या बचे बीच में, तो दोनों संख्याओं को जोड़ के हम 2 से भाग दे देते हैं। क्या करते हैं, जो जब 2 संख्या हमारी बीच में बचेगी तो उन दोनों संख्याओं को जोड़ लेंगे। दोनों संख्याओं को जोड़ के 2 से भाग दे देंगे। 10 और 14 को जोड़ेंगे तो आएगा हमारा 24। 24 को 2 से भाग देंगे तो आएगा 12। इस तरह से आंसर हमारा कितना आ गया, 12। दी गई संख्याओं को आरोही या अवरोही क्रम में व्यवस्थित करते हैं। अगर एक संख्या बीच में आ रही है, दोनों तरफ से समान संख्या में संख्याओं को छोड़ने पर अगर एक संख्या बीच में आती है तो वही हमारा औसत होगा। लेकिन अगर 2 संख्या बीच में आ रही है तो उन दोनों संख्याओं को जोड़ के 2 से भाग दे देते हैं। चलिए इसी पर एक और क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32, 20, 26, 23, 29, 35। इन संख्याओं का हमको एवरेज निकालना है, इन संख्याओं का हमको औसत निकालना है। तो औसत निकालने के लिए सबसे पहले क्या करना होता है, दी गई संख्याओं को आरोही या अवरोही क्रम में व्यवस्थित कर लेते हैं। तो चलिए हम सबसे पहले इन संख्याओं को आरोही या अवरोही क्रम में व्यवस्थित करते हैं। तो इसको अब लिखते हैं हम आरोही क्रम में। सबसे पहले हम इसको आरोही क्रम में लिख लेते हैं। आरोही क्रम में सबसे पहले सबसे छोटी संख्या आनी चाहिए, तो सबसे छोटी है 20, इसके बाद 23, फिर 26, 29, 32, फिर 35। ये सारी संख्याएं अब हमारी आरोही क्रम में हो गई। आरोही क्रम में व्यवस्थित करने के बाद दाहिनी और बाईं तरफ से हम समान नंबर में संख्याओं को छोड़ते हैं। तो देखिए, हम बाईं तरफ से 2 संख्या छोड़ दिए और दाहिनी तरफ से 2 संख्या छोड़ दिए। अब जो बीच में संख्या बची वो अब हमारी 2 संख्या बच रही है, 1 26 और 1 29। तो अब इन दोनों संख्याओं को हम जोड़कर और उनका हाफ कर देंगे। दोनों संख्याओं को जोड़ के 2 से डिवाइड कर देंगे, 26 प्लस 29 बटा 2, 9 6 15 हो गया, 2 2 4 1 5, 2 2 4, 2 7 14। इस तरह से आंसर हमारा आ गया 27.5। तो क्या करना होता है, औसत निकालने के लिए दी गई संख्याओं को आरोही या अवरोही क्रम में हम व्यवस्थित कर लेंगे। इसके बाद दाहिनी और बाईं तरफ से समान संख्या में संख्याओं को छोड़ देंगे। दाहिनी तरफ से यहां देखिए हम 2, बाईं तरफ से 2 संख्या छोड़े और दाहिनी तरफ से भी 2 संख्या छोड़ दिए। बीच में हमारी 2 संख्या बची। जब बीच में 2 संख्या बचे तो उन दोनों संख्याओं को जोड़ के 2 से भाग दे देंगे। अगर बीच में 1 संख्या बचेगी तो वही हमारा औसत हो जाएगा। लेकिन अगर 2 संख्या बच रही है तो दोनों संख्याओं को जोड़ के 2 से हम भाग देंगे।